नमस्कार दोस्तों, हमारे AM एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लाभ हानि पर हमने अब तक 9 भाग बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इनके सारे लिंक दे चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लाभ हानि पर लास्ट भाग लेके चल रहे हैं। इसमें ज़्यादा तो सवाल नहीं है, कम से कम ही सवाल हैं, लेकिन दोस्तों इन सवालों को भी आपको देखना है, क्योंकि हो सकता है कि सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए। अगर आपका फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, मैं उनको करा दूंगा। दोस्तों, इसके बाद में हम डिस्काउंट का टॉपिक लेके चलेंगे, उसको बहुत अच्छे ढंग से करा के चलेंगे। और आपका यहां तक जो मैंने करा दिया, लगभग मैंने 90 सवाल या 100 के सवाल समथिंग करा दिए, आप अगर आप इन सवालों को कर लेते हो तो आपका जो जितने भी वनडे एग्जाम के जो सवाल है, वनडे एग्जाम या जो भी लेखपाल, SSC, GD, पुलिस, UP पुलिस, SI, किसी भी एग्जाम में आपसे कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आइए दोस्तों, अगले भाग में आज जो लास्ट भाग है लाभ हानि का, जो 10 भाग है, इसको पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। मन तो कभी करता है, थकान महसूस होती है, लेकिन जब आपका लाइक और कमेंट देखते हैं तो दोस्तों उतना ही बराबर जुनून और जोश पैदा हो जाता है और लगता है कि हमें आज की क्लास और अच्छी कराने की कोशिश करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और आपको हम अच्छे से अच्छा टॉपिक, कमेंट और दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक में कौन कौन से प्रकार के सवाल हैं, इनको देखते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों, रवि ने 2 खिलौने 1500 रुपए में खरीदकर एक 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। तो खिलौने का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी एक को तो टोटल 1500 रुपए था, एक को तो उसने 12% लाभ पर, दूसरे को 18% लाभ पर, लेकिन कुल 15% का लाभ हुआ। तो दोस्तों, 1500 रुपए का उसका क्या था क्रय मूल्य, एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 18% लाभ पर, तो कुल पर उसने 15% का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, एलिगेशन लगा दें। तो यहां पर दोस्तों 3 बचा, ठीक है। इधर एलिगेशन लगाओगे तो आप ये कहोगे सर यहां पर तो 3 बचा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको हल करोगे तो दोस्तों ये कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी टोटल कितना हो रहा है 2, और 2 पर ही दोस्तों कितना दे रखा है 1500। टोटल कितना दे रखा है 1500, तो कितनी बार जा रहा है 750 बार, क्योंकि 750 दूरी 1500 होता है। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे जब एक को 750 का ये डिवाइड करेंगे तो इसको भी 750 रुपये में खरीदा है और इसको भी दोस्तों कितने में खरीदा है, 750 रुपये में खरीदा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके आंसर है 750, क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक फर्नीचर निर्माता 20,000 रुपए में 2 अलग अलग अलमारियां तैयार करता है, उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा, इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ, यानी टोटल पर 12% का लाभ हुआ। तो प्रत्येक अलमारी की कीमत ज्ञात करो, एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% और दोनों पर 12%, यानी दोस्तों 20,000 रुपए का उसने फर्नीचर तैयार किया, कितने का 20,000 रुपए का उसने फर्नीचर तैयार किया दोस्तों, ठीक है। एक को तो 15% लाभ पर बेचा, एक को 10% लाभ पर बेचा और टोटल पर उसने 12% का प्रॉफिट कमाया। एलिगेशन लगा सकते हो, टोटल है ना, जब औसत दे दिया तो एलिगेशन लग जाता है, यहां से 2 और दोस्तों यहां पर अगर करोगे तो यहां पर कितना बचेगा 3, यानी टोटल जोड़ने पर 5 हो रहा है और 5 पे दोस्तों कितना दिया है 20,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौके 20, यानी 4,000 बार जा रहा है। तो प्रत्येक अलमारी की अगर बात करते हैं तो ये तो दोस्तों 8,000 की पड़ रही है आपको, है ना, 4,000 × 8,000, ये तो दोस्तों कितने की पड़ रही है 8,000 की, और ये इसमें अगर आप 4,000 का गुणा करोगे तो आप ये कहोगे कि सर ये हमें पड़ रही है 12,000 की, ठीक है, ये 12,000 की पड़ जाएगी और ये 8,000 की पड़ जाएगी, बात समझ में। प्रत्येक पूछा है तो आपका ये आसानी से आपने कर लिया। चले नेक्स्ट सवाल की ओर चलते दोस्तों, देखते दोस्तों क्या है अगला नेक्स्ट सवाल।
समझ में आ गया। जब भी कभी औसत लाभ कमाता तो इस तरह से एलिगेशन लगा के उसको कर सकते। सवाल देखते हैं, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु एक किलोग्राम की जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। एक किलोग्राम की जगह पर कितने का बाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी दोस्तों आपको पता है कि एक किलोग्राम पर, आपको दोस्तों पता है कि एक किलोग्राम पर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इतना सब लोग जानते हैं। अब एक बात बताइए कि जब वो एक किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, यानी 800 ग्राम उसकी जेब से जा रहा है, 1000 की तो कह रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 200 ग्राम का, यानी टोटल देखोगे तो है तो कोई 1000 ग्राम है कि नहीं है। 800 ग्राम दे रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, अरे 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो दोस्तों इसको 100 बनाना है तो 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, 8 का इसमें डिवाइड कर दिया दोस्तों, ये 100 बन गया, वो 8 का इसमें डिवाइड करोगे तो 25 अट्टे दोस्तों 25, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 25%। बात समझ में आ गई। जब कोई बेईमान दुकानदार होता है तो उनको इस तरह से सवालों को कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखें दोस्तों, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम तोलता है। यहां पे फिर भी 80 ग्राम का घपला कर रहा है। 1 किलोग्राम की जगह पे कितने का, 920 ग्राम तोलता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल उस तरह से बताया था, आप उसी तरह से मेरे साथ साथ करिए। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते कि नहीं होते हैं, और 1000 ग्राम में से वो 920 ग्राम तोल रहा है बस, यानी घपला कितने का कर रहा है, 80 ग्राम का, क्योंकि टोटल मिलाकर के तो 1000 ग्राम हो रहा है। तो भाई दोस्तों इसको मैं 100 बनाना है तो देखो, 1 0 पहले से इसे 100 बनाना है तो 10 का गुणा कर दो, और ये 92 देख रहा है, इसका 92 का डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है, 10 का गुणा कर दो और 92 का क्या कर दो दोस्तों, डिवाइड, तो ये तो 92 से कट जाएगा 10 बार, यानी 10 दारे 100 बन गया, नहीं बन गया 100। ठीक है, और इसको दोस्तों आप क्या करोगे, देखो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 तो 4 × 20 = 20, यानी दोस्तों ये 200/23 आ गया। ठीक है, इसका आप डिवाइड कर लोगे, इसमें कितनी बार चला जाएगा, देखो 8 × 3 = 24 हासिल, 2 × 8 = 16, 16 × 2 = 18, यानी दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से जा गया तो 6 बचा, और यहाँ से 1 बच गया, 16 बचा, तो और देश कैसे, अब तो जा ही नहीं रहा भाग, तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि 100 में 8 सही 16/23%, इतने परसेंट का वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, 8 सही 16/23% का क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए, या लगभग में हम 8.76 इस तरह से कह सकते हैं, वैसे यही आपका करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट में भी देना चाहो तो पूरा पॉइंट पॉइंट में निकाल सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप पॉइंट में विकल्प के अकॉर्डिंग, अगर आपको पॉइंट में विकल्प मिलता है तो आप पॉइंट में आंसर दे देना, नहीं तो फ्रैक्शन में दे देना। अगला सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। देखो यहां पे भी घपला हो रहा है, 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है, वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% का अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहां पे भी अगर आप दोस्तों देखोगे कि बहुत ही ज्यादा घपला कर रहा है, पहले दो तरह से घपला कर रहा है दोस्तों, कितने तरीके से, मतलब क्रय मूल्य पर ही 10% अंकित करता है, 10% क्रय मूल्य पर भी बढ़ा दिया, तो दोस्तों क्या करेंगे, पहली कंडीशन में आप समझिए कि 1200 ग्राम पर दोस्तों आपने देखा, एक मिनट, 1000 ग्राम हमें दे रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं 1200 ग्राम, यानी जो 1200 ग्राम बांट के को 1000 हम जेब से दे रहे हैं और 200 का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि 1000 दे रहा है और 1200 कह रहा है, यानी 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसको 100 बनाने के लिए 0 से 0 काट सकते हैं, यानी यहां पर उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया, कितना कमा लिया, 20% का उसने प्रॉफिट कमा लिया, और 10% का वो क्रय मूल्य पर बढ़ा दिया तो 10% का वो हो गया। अब सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, यानी 100 पे
ये 20% के प्रॉफिट से यानी 120 पर बेचना है, दूसरा 10% का और प्रॉफिट कर रहा है यानी 110 पर बेचना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से जीरो को काट लेना है। अब आपने देखा तो ये तो दोस्तों 100 हो गया और ये 11-12 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 132। अब दिख रहा है आपको प्रॉफिट कितने का, तो आपको दिखेगा दोस्तों कि ये 32% का प्रॉफिट दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 32% का प्रॉफिट दिख रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों कितने का दिख रहा है, 32% का प्रॉफिट आपको आसानी से दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले सवालों की तरफ चलते, बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, आने की इसकी गुंजाइश है एग्जाम में, अच्छा सवाल है, ठीक है। अगले सवाल एक और देखते हैं दोस्तों। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत वाट का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। गलत वाट का प्रयोग करके क्या करता है, 20% का लाभ कमाता है। बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना ग्राम तौलता है, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौल का प्रयोग करता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यानी अगर वो 100% पर 20 का प्रॉफिट कमाएगा तो आप कहोगे कि सर वो 120 कमा रहा है, यानी 20% की प्रॉफिट 120 कमा रहा है, और इसी पे दे कितना रहा है 1000 ग्राम, दे कितना रहा है दोस्तों 1000 ग्राम, तो हमने इसमें इसका डिवाइड किया, ठीक है, 1 जीरो से 0 कटा, 4 से 3 बार और 4 से 25, यानी 25/3। देखो कैसे, जब 1000 में दोस्तों मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ऐसे कर लिया करो, 20 से नहीं 120 से, इस 0 से 0 कट दिए, 4 से 25 बार और 4 से 3 बार, यानी ये आ गया 25/3, कितना आ गया, तो यानी इसमें हमने कितने का गुणा किया होगा, 25/3 का गुणा किया होगा, तो आप भी इधर 25/3 का गुणा कर दीजिए, तो 25/3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2500/3, ठीक है, या तो यही आंसर हो सकता है, या और डिवाइड करोगे 3 8 24, 1 + 3 = 9, 3 * 9 इतना, इतने ग्राम वाट का प्रयोग करता है, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी 833 सही, 1/3 ग्राम वाट का, ऐसे भी कह सकते हो 833.33 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। बात समझ में आ गई, चलिए दोस्तों अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा ग्रुपों में साथ के साथ शेयर भी कर दिया करो, और लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने की बात करता है, खरीदते और बेचते समय 12.5% का घपला करता है। लो, खरीदते समय भी 12.5% का घपला और बेचते समय भी 12.5% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी दोस्तों खरीदते समय भी और बेचते समय भी 12.5% का घपला करता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों देखेंगे 12.5% को दोस्तों अगर हम देखेंगे, 12.5% को बोलते हैं दोस्तों 1/8, क्या बोलते हैं 1/8, यानी दोस्तों अगर मैं इसको 800 बना लूं तो इसको मैं क्या बना सकता हूं 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 00। मैंने मान लिया कि ये 800 रुपए है, मैं यहां पर अगर इसमें भी मान लो, इसमें भी मैं क्या कर, इसको 700 की खरीद रहा था, यहां पे भी 10% का प्रॉफिट कमा लिया और मैं बेच भी रहा था 12.5%, तो यहां पर प्रॉफिट का मतलब ये देखो 700 की 800 में बेची है ना, और यहां पर इसने प्रॉफिट भी कमाया तो यानी 900 की। अब आप ये देखोगे दोस्तों कि इसमें कितने का प्रॉफिट कम रहा है, टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे सर टोटल प्रॉफिट 200 का हो रहा है, लेकिन कितने पर हो रहा है 700 पर, तो 700 पर दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है 200 का, मुझे किसको 100 बनाना है, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 100 बार चला गया, 7 से इसे डिवाइड करोगे दोस्तों पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा, पर दे लो 7 × 2 = 14 या 7 × 8 = 56, फिर 4/7%, यानी दोस्तों इतने परसेंट के इसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ये दोस्तों लॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया है, अगर अभी भी अगर आपको कोई टॉपिक में सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर मेरा है 80 77 33 21 33, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है,
व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब कल दोस्तों हम डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करो, कमेंट जरूर करा करो, और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखोगे आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और जो सवाल आपने यहाँ से हमारे क्लास से सीखे हैं, उसी तरह से आप कोई भी किताब उससे सवालों को हल करने की कोशिश करिए, आप जरूर उस टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों यही आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर जरूर करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।